everyone. Kangna ji looking absolutely gorgeous. Thank you. आप मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है. हाँ Kangna ji looking really gorgeous. Who are you wearing tonight? This is Tony Watt. Thanks to my styling team, Ami Patel and Sanjay. They are the superstars behind this look. Kangna, when it comes to fitness, what is your mantra? My mantra is to stay healthy, do yoga and eat vegetarian food. That's pretty much what I rely on, but I like to do ballet and riding as well, horseback riding. Good evening, Kangna. Hi, Sumit. How are you? You're looking epitome of glamour. Thank you. Fit to fight. Can you just elaborate on this and would you like to share your views on this? Well, fit to fight is obviously the tagline of Reebok. लेकिन Reebok ये सिर्फ कहते ही नहीं हैं लेकिन करते भी हैं. जिस तरह से ये एक स्टेप हमेशा आगे रहने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से ये जो विनर्स हैं आज इनको फेलिसिटेट करा जाएगा, ये ऐसे हीरोज़ हैं जो कि कुछ इनमें से काफ़ी अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो उनको दुनिया के सामने इन स्टोरीज़ को लाया जाता है. और पिछली बार हमने जिन हीरोज़ को ऑनर किया था, आज वो प्रोमिनेंट स्टोरीज़ हैं ऑफ हीरोइज़म इन आवर सोसाइटी. तो ये जो इनके एफ़र्ट्स हैं बहुत ही काबिले तारीफ़ हैं, और इसलिए हम इनका, मैं ज़्यादा अवार्ड शोज़ में जाती नहीं हूँ, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे आज इस अनकन्वेंशनल अवार्ड शो में बुलाया. काफ़ी दिनों से आप, मतलब बहुत दिनों बाद आपकी आउटिंग हो रही है, आप कहीं पर आई हैं, चोट भी लग गई थी, अब कैसे हैं आप, जरा बताएं, अपडेट करें. मुझे एक्चुअली मेरा लिगामेंट टियर हो गया था. अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही लिबर्टी ले ली है, मैं हील्स पहन के आई हूँ. आई होप इट स्टेज ओके, बट इन द नेम ऑफ फैशन एनीथिंग. पर मैं ठीक हूँ. एक्चुअली हमारी फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग चल रही है और बहुत ही डिमांडिंग फिल्म है, और इसीलिए उसमें मैं बिजी थी, मगर आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल टुडे हियर. लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी, मतलब व्हेन वी से फिट टू फाइट, कई चीज़ें. कई चीज़ों के लिए लोगों को फाइट करना पड़ रहा है. डू यू थिंक द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर इज कंड्यूसिव टू द फिल्म इंडस्ट्री या एक्ट्रेसेस के लिए? वेल, द थिंग इज दैट फाइटिंग इज ऑब्वियसली द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यू नो, और the survival of the fittest is not something that people not familiar with. तो ये तो है ही है, जब तक इंसान जिंदा है हमारे दिल को धड़कने के लिए भी फाइट करना पड़ता है, और जब फाइट रुक जाती है तो आपको पता है क्या होता है, तो इंसान मर जाता है. तो इसलिए फाइट तो रहेगी ही रहेगी जब तक आप जिंदा हैं. मुझे किसी का सपोर्ट, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन आई फील दैट वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस, वी ऑल नीड टू स्टिक टुगेदर एंड वी ऑल नीड टू मेक श्योर दैट वेदर इंडिविजुअली और टुगेदर, इफ़ वी कैन, वट एवर वी कैन डू इन आर कैपेसिटी टू सपोर्ट आर कलीग्स, लाइक आई सेड, आप साथ में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, हमारी सारी सपोर्ट जो है हमारे कलीग्स के साथ है. आजकल जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि मतलब एक्ट्रेसेस को थ्रेट्स दिए जाते हैं, ये चीज़ें कहाँ तक आपको सही लगती है कि आजकल के माहौल में फिल्म मेकर्स को फिल्म जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं या एक्ट्रेसेस को पर्सनली थ्रेट्स दिए जाते हैं, ये शोचनीय विषय नहीं है आपको लगता है? वेल ऑफ़ कोर्स वी कंडेम इट, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है जो बहुत ही आप लोगों को सुन के हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी बहन जब स्कूल में थी तो उस पर एक स्टूडेंट ने एसिड अटैक किया, राइट. जब मैं अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हूँ तो एक सुपरस्टार मुझे जेल में डालने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज़ वेरी कॉमन, दैट हैपन्स इन आवर सोसाइटी. तो आपको इंडिविजुअल को अटैक करना है और यू वॉन्ट टू अटैक द शोविनिज्म, पेट्रियार्की और जो हमारी रूढ़िवादी सोच है, तो हमको उसको अटैक करना चाहिए. इंडिविजुअल्स को वी कैन कॉल देम आउट, हम ये कह सकते हैं कि ये आपका बिहेवियर गलत है, जो कि हम कह रहे हैं कि गलत है. और ये सिर्फ लड़कों तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये इसमें महिलाएं भी शामिल हैं. तो हमको उस सब उस सोच को अटैक करना है, और वो हम करेंगे और कर रहे हैं, चाहे अपने काम के ज़रिए, चाहे अपनी स्पीच के ज़रिए, चाहे अपनी फिल्मों के ज़रिए. इसीलिए फिल्में बहुत ही ज़रूरी माध्यम हैं, और फिल्मों को लेके ये कहना कि इस चीज़ को लेके सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं फिल्मों के द्वारा ही पहुंचेंगे. और ये बहुत ही लंबा विषय है, इस पर इस वक्त बात करना
ज़रूरी सही नहीं है, क्योंकि ये इवेंट है एंड मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं एज एन आर्टिस्ट. बट मैं आने वाले दिनों में मैं चाहूँगी एज एन इंडिविजुअल कि अपनी सोच सबके सामने रखूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टुडे इज नॉट द टाइम. हाँ जी, हमारे घर में एक बहुत ही छोटा बहुत ही क्यूट मेंबर आया है जिसका नाम है पृथ्वीराज चंदेल, और उनसे अभी मैं मिल के आ रही हूँ. और माय सिस्टर एंड हर हस्बैंड आर वेरी हैप्पी, और आप लोगों ने जितनी भी ब्लेसिंग दी है और हमारे लिए जितनी भी आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Direction and we will continue to do. You guys really need to have to support us in our endeavors. Also a hero. Thank you. Everyone wants your new year wishes. Kangna pyar se, feeling ke sab. meri taraf se sab darshakon ko naye saal ki bahut bahut shubhkamnaen. Aapke liye 2018 bahut hi zyada shubh rahe, hamare liye, hamare desh ke liye aur hum sab ke liye aur aapke liye. Thank you.